थी तो मेरी, मैंने उन्हें बताया नहीं है बस। ऑलरेडी उनके माइंड में था कि हम लोग ऐसा फेस्टिवल का इशू करेंगे। तो भाई अभी ऑफिस से हैं और यहाँ से मूड हुआ मेरा कुछ खाने का, तो हमने यहाँ से मिठाई पार्सल की है। देखो यार मैं बहुत शौक से खाता हूँ ये सफ़ेद वाले खाने। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ पर देखिए एक शर्ट भी अंदर से पहनी हुई है, ऊपर से दूसरी शर्ट पहनी, इनको सर्दी लग रही है। तो जलिजबा को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया और वो ब्लॉग एंड नहीं कर सकी। बस दिन में हम दोनों ही सही थे, मैं बिल्कुल ठीक था। सुबह पैनाडोल खाई थी मुझे, बिल्कुल दो दिन से जो तबीयत ख़राब होती ना मैं पैनाडोल खा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर से हैं। तो आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है। आज हमने मूड बनाया था हलवा पूड़ी खाने का, लेकिन रिश्वा मैडम साहब उठ नहीं रही, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। मुझे कहा है आप ले, मैं जा रहा हूँ हलवा पूड़ी लेने के लिए, रिश्वा के लिए खुद मैं वहीं से खा लूँगा, उनके लिए लेके आता हूँ। तो आज हमारा मूड था हलवा पूड़ी खाने का, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का तबीयत बेहतर है। तो अभी जा रहे हैं हम ऑन द वे, वहाँ से आते हुए अब शेव, जब ये पहुँचा तो उसके बाद जाना है शेव कराने के लिए और अपने बाल कटाने के लिए। उसके बाद फिर ऑफिस का टाइम हो, ऑफिस निकल जाएंगे। देखते हैं नादर अगर मैसेज आता है तो मैं जाके एनआईसी भी करके फिर डायरेक्ट ऑफिस निकल जाऊँगा, या तो डायरेक्टली ऑफिस निकल जाऊँगा, शायद मे बी कल आ जाए क्योंकि अभी तक मैसेज नहीं आया। तो देखते हैं अभी क्या सीन है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अभी यहाँ पर देखें माशाल्लाह रेडी होके आ गया, तब आपकी तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन पैनाडोल खा रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है एक डॉक्टर लिख के देता ना 3 दिन खाना होता है, तो वैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 दिन खाने की अपने से पैनाडोल, एक एक खा रहा हूँ। वायरल इन्फेक्शन ही है ये जो आपको भी हो गया हो क्योंकि आप मेरे साथ बैठती थी ना, आपको हो गया था, मैं मना करता था। खैर आज आपकी तबीयत थोड़ी सी हल्की ख़राब है, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दिया, मैं वहाँ से ऑफिस से आ जाऊँगा, आपको हॉस्पिटल ले जाऊँगा। ठीक है चले, आज तो मैं जैसे सही, आप तो अपना फेस ही बदल के आ गए। चल झूठा। हाँ मैं असल में गया था, वो कितने दिनों से मैं सोचा था करूँगा करूँगा, बीच में बीमार हो गया, वकार का सीन आ गया, तो मैं नहीं करा सका। तो अब आज हेयर कट और शेव कराइए, ऐसी बात है ऑफिस जाना होता है, हमें भी थोड़ा सा लुक रखना पड़ता है अपना। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। अभी आप कहीं जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ पहले नादरा एनआईसी लेते हुए डायरेक्ट जाऊँगा ऑफिस। ओके, वहाँ से ब्रेक पे जाऊँगा बैंक अपने अकाउंट्स के हवाले से मालूम लेने, फिर वापसी पे आके देखिए अगर आपकी तबीयत खराब मुझे बता देना, मैं डायरेक्ट आ सकूँ यहाँ पर। ठीक है बैंक निकल जाऊँगा सही। ओके फिर अभी मैं निकल रहा हूँ, जैसा हो बात करते हैं फिर। ओके बाकी आप बताएँ हाल वाल दें घर वालों का? बाकी घर वाले आपको पता नहीं है? पता है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है। जाहिर सी बात है, तो देखो हमें अगर डिसीजन लेने होंगे ना, तो हमें डिसीजन लेने होंगे कुछ भी आगे बढ़ना होगा ना, तो काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं ज़िंदगी में। जब आप शादीशुदा लाइफ में आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, इशूज़ आते हैं, तो वो फेस करने होते, कोई इशू नहीं है, बस थोड़े से नाराज़ होंगे, मान जाएंगे। गलती तो मेरी है, मैंने उन्हें बताया नहीं है बस। ऑलरेडी उनके माइंड में था कि हम लोग ऐसा फेस्टिवल का इशू करेंगे, बट उनको ये नहीं था कि अचानक से ऐसा करेंगे। फिर ऊपर से सोहेल भी यही था, तो हम लोग वो भी हो यहाँ पर अच्छा है, अब वो जाएगा फिर 2 दिन बाद। चले उन्हें भी मना लेंगे, अभी अब जाए, आपको देर हो रही है। मुझे लेट हो रहा है, फिर मिलते हैं चलो। ओके तो अभी हम नादरा पे आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना एनआईसी का काम हो गया, एनआईसी कलेक्ट कर चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी जा रहे हैं बैंक नहीं बल्कि मैं जाऊँगा डायरेक्ट ऑफिस, क्योंकि ऑफिस के टाइम में फिर 15 से 20 मिनट लगे हैं। ऑफिस से होते हुए फिर ब्रेक के टाइम पे बैंक आऊँगा अपने अकाउंट के हवाले से, अगर अलीशबा की तबीयत डाउन हुई तो फिर अलीशबा के पास हमको डायरेक्ट मेडिसिन ले लें, बैंक पे कल चल जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी नादरा से हम ले चुके हैं ऐसे ही और अभी जाने लगे ऑफिस। तो भाई अभी ऑफिस से हैं और यहाँ से मूड हुआ मेरा कुछ खाने का, तो हमने यहाँ से मिठाई पार्सल की है। देखो यार मैं बहुत शौक से खाता हूँ ये सफ़ेद वाले खाने। तो अक्सर वैसा लेते रहते ऑफिस आते हुए, और यहाँ आने के बाद देखा तो माशाल्लाह से यहाँ पर एक चीज़ नई देखी है मैंने, आप देख सकते हैं इसमें हमारी 14 अगस्त करीब है, पर पाकिस्तान के केक भी आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये शायद हम 14 अगस्त पे ज़रूर लेंगे, वकार में डिसाइड करेंगे घर वाले मिलके। तो अभी यहाँ से हम मिठाई ले रहे हैं और कुछ खाने के लिए लेना था लेकिन वो है नहीं, और अभी चलते हैं फिर ब्रेक टाइम है, बैंक से मैंने हो लिया है और कुछ खाते हैं फिर। अलीशबा की तबीयत थोड़ी बेहतर है, अलीशबा का पैनाडोल ली थी उन्होंने, तो उसके बाद ठीक है। तो अभी ये चिकन ये पेमेंट दे रहा हूँ, इसके बाद जो है ना एक और चीज़ आई यहाँ पर आपको दिखाते हैं वो। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जो है ना आप देख सकते हैं, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि नई अमेंडमेंट हुई है माशाल्लाह से, और इसके अलावा केक भी हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर लेंगे। फिलहाल 14 अगस्त अभी दूर है आज 10 से। तो जी हम ऑफिस के बिल्कुल करीब आए थे, और वहाँ पर आने के बाद जब मैंने अलीशबा से फ़ोन किया तो उनकी तबीयत ठीक थी, तो मैंने सोचा बैंक से लूँ, ब्रेक टाइम है तो
बैंक से लिया और यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लिया। ये ब्लू रिबन बैटरी हमारे बिल्कुल ऑफिस के करीब है। अब यहाँ से सामान ले चुके हैं और अभी जाने लगे हैं ऑफिस से दोबारा। और ब्रेक टाइम है सिर्फ आधा घंटा रह गया, कुछ खाते हैं फिर चलते हैं। तो भाई ये हमारी गर्मा गर्म बिरयानी आ गई थी और मैं ऑफिस से अक्सर यहाँ पर पीछे आके बिरयानी खाया करता हूँ जुमे वाले दिन, लेकिन आज जो है ना बस कुछ समझ नहीं आता तो मैंने यही ले लिया। और यहाँ पर देखें जैसे ही हमने सालन बनाना स्टार्ट किया तो गैस ही चला गया। अभी हम ऐसे ठहरे हुए हैं, जब गैस आएगा तो सालन बनाएंगे। तो आज हम बना रहे थे कड़वे करेले, मतलब रुको जरा सबर करो, आज हम करेले बना रहे थे और गैस ही नहीं अभी तक। यहाँ पर देखिए अभी हमारा सामान ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, तो जब तक गैस नहीं आता हमें ऐसे बैठना पड़ेगा। मुझे तो यहाँ पर देखिए लग गई है भूख, तो मैं जो रात को थोड़े से चावल बचे थे ना वो तो गर्म करके खा रही हूँ, और जब गैस आएगा तो फिर अपना सालन बनाएंगे। तो आज थोड़ा सा अच्छा मौसम हो रहा है और अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो हमने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अभी यहाँ पर थोड़ा सा चहलकदमी करें, चाय बन गई, चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर अंदर जाते हैं, शिफ्ट वगैरह क्लोज़ करते हैं, फिर घर जाने का टाइम हो जाएगा। तकरीबन अलहमदिल्ला मेरे सारे काम निपट गए, एनएससी बन गया, बैंक से भी मिल गया, लेकिन उनके अभी मैनेजर उनके आए नहीं थे तो उन्होंने इसलिए मुझे कल बुलाया है। अब कल जाएँगे दोबारा और अकाउंट के हवाले से हम मालूम लेंगे। अभी फ़िलहाल चाय पीते हैं, बाकी बातें बाद में। हेलो जी, ऑफ हो गई अभी और निकलते हैं, अपनी धनों को निकालते हैं। धनों की काफ़ी बुरी हाल हो गई है क्योंकि मिट्टी विट्टी हो गई है, अब इसकी सर्विस करवाएंगे कभी फ्री होते ही जैसे टाइम मिला। तो अभी ऑफिस से फ्री हुए हैं और निकल रहे हैं घर की तरफ। हाँ, सोहेल भी वेट कर रहा है, अलिफा भी वेट कर रही है। आज सारे काम कर लिए, बाकी के पेंडिंग बस एक बैंक अकाउंट रह गया, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। ये मैनेजर आए नहीं थी इनकी जिनसे बात हुई थी, तो अब देखें उन्होंने कल बुलाया। और यहाँ पर देखें मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ पर देखे एक शर्ट भी अंदर से पहनी हुई है, ऊपर से दूसरी शर्ट पहनी, इनको सर्दी लग रही है। अभी हम जा रहे हैं एनएमसी में एडमिट होने क्योंकि बहुत ठंड लग रही है ज़्यादा। चल इनका ख्याल रखना। जी जी बिल्कुल, चले अभी जाए बाइक को चलाएगा। और यहाँ पर देखे सॉक्स भी पहन दी उन्होंने, इतनी सर्दी लग रही है आज उनको। आज शिमला में घूम रहा हूँ भाई। अच्छा जाए, अल्लाह बेहतरी करेगा। तो जी मैं अपना एक ब्लड टेस्ट करवा चुका था, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा कि एहतियातन भाई दूसरा मलेरिया का भी करा लो। अब मैं यहाँ से उठा एटीएम मारने के लिए क्योंकि मेरे पास कैश ख़त्म हो गया था। सारे टेस्ट हो रहे थे 3,500 से 4,000 के अंदर, मेरे पास 3,500 थे। तो भाई अभी जा रहे थे हम एटीएम मारने, मैं बहुत ही मुश्किलों से चल रहा था और एटीएम बिल्कुल सामने था। यहाँ पर इनके एक निज़ाम का बारे में कहूँगा कि इनके पास कैश का सिस्टम है, कार्ड सिस्टम नहीं है। ये सबसे बुरी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर। मैं बहुत मुश्किलों से चल रहा था और बाहर जाके मुझे एटीएम मारना पड़ा। भाई अभी मेरी हालत फुल आउट हो गई है। नॉर्मली 1,52,000 होते हैं वाइट सेल्स, इससे पता चलता है आपको नॉर्मल यहाँ मेरे 97-98 और मजदूर गिर रहे हैं, और अब ना उनसे भाई छा जाए ना खराब हो जाए। यानी एक कन्फर्म डेगी है या मलेरिया है कुछ कह नहीं सकते। ब्लड टेस्ट करा लिए, सभी बाइक चलेगा और मैं इस तरह घर पहुँच जाऊँ। ओके मलेरिया है डेगी है, मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊँ। अगर डेगी आया तो अल्लाह ही शायद करेगा। इस तरह घर पहुँचते वकाल को रबता किए, वकाल जाना किसी को भेज रहा है ठीक कर लेंगे। ठंड वंड सब उधर गई, बहुत जाना चक्कर आ रहे हैं, चल ठीक है। तो जलिशबा को बहुत ज़्यादा फीवर आ गया और वो ब्लॉग एंड नहीं कर सकी। बस दिन में हम दोनों ही सही थे, मैं बिल्कुल ठीक था। सुबह पैनडोल खाई थी मुझे, बेसिकली दो दिन से जो तबीयत ख़राब होती थी ना मैं पैनडोल खा रहा था एक एक। तो पैनडोल खा के मैं गया नादरा, NIC लिया, फिर वहाँ से बैंक गया, बैंक से फिर ऑफिस गया। ऑफिस से वापसी आते हुए जब मैं आलू ले रहा था घर के लिए, अब ने कहा आलू ले आओ बनाने के लिए, चावल वगैरह बनाने के लिए। तो मैं जैसे आलू ले रहा था तो वहीं अचानक से मेरे हाथ ढीले पड़ गए, अचानक से यकदम। अच्छा भला आया था मैं बाइक चला के। तो इसी तरह जब अलिजबा मेरे साथ ठीक थी, मैं जब कब कब आते हुए हॉस्पिटल जा रहा था ब्लड टेस्ट करवाने, लेकिन जाने सिर्फ पैनडोल और एक वहाँ ATM के बराबर में कीपन हो रहा था। मेरी हालत देख के उसने मुझे एक आइडिया दिया था, उसने कहा था देखो डेंगी हो ना गाजर और एप्पल और लेमन का जूस मिला के पिए। तो मैं एक गिलास वो पिया, थोड़ा सा फ्रेश हो गया मैं, उसके बाद सिर्फ पैनडोल खा रहा हूँ, थोड़ा बेहतर हुआ। लेकिन लक्ष्मा का फीवर चढ़ा उतर रहा है, उसको मैं आज हॉस्पिटल ले जाऊँगा।
खैर यहीं पर अपना व्लॉग एंड करते हैं, बड़ी हिम्मत करके मैं जो है एंड कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ हमारा व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।